नमस्कार दोस्तों, मार्वल दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल की टीम साइट विजिट प्रोग्राम के अंतर्गत आज पहुंची है राम राणा मार्बल बोरावड़। तो चलिए हमारे साथ। जो कट पीस होते हैं तो उसकी साइज छोटी हो जाती है, जैसे कोई बड़ी स्लैब है तो वो जैसे माइन से बाहर निकली वो क्रेक निकल गई, तो क्रेक निकलने से वो क्रेक को बाहर निकाल के फ्रेश उसके कट पीस बना लिए जाते हैं, तो कट पीस एकदम फ्रेश रहेगी। सिर्फ ये रहेगा कि इसके अंदर लाइन टू लाइन मैच नहीं होगी, पर एक बेनिफिट ये भी रहता है कि जैसे उसकी रेट भी कम हो जाती है तो आम आदमी लगा सकता है। अच्छा, कंज्यूमर के लिए सबसे बेस्ट चीज हो गई कि ये आपको एक तो फ्रेश क्वालिटी में अवेलेबल होगी, इसमें कुछ क्रेक्स वगैरह कुछ भी जो अपन मानते हैं नेगोशिएशन वो चीजें नहीं है, और उसको एक स्लॉट में और चाहे जितना माल अवेलेबल हो सकता है, और वो भी है इसकी मिनिमम रेंज के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको रफ आइडिया बताता हूं, जैसे कि आप ये मकराना डोंगरी मारते हैं, अगर आप इसकी स्लैब लेंगे तो 100 रुपीज से लेकर 300 तक आपको जाना पड़ेगा। अब मान लो कि आप किसी के कट पीस लेते हैं तो 35 से लेके 40, 50, 60, 70 इस रेंज में आपको कट पीस लगा सकते हैं। अभी कोई कस्टमर है उसका बजट को कंट्रोल करने के लिए मेन लॉबी के अंदर आप चडूंगरी की स्लैब लगा दो और रूम के अंदर कट पीस लगा दो, तो एक कम रेंज के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी लग जाएगी। अच्छा, कस्टमर के लिए ये हो जाता है कि वो मकराना मार्बल भी लगा लेता है और अपनी मिनिमम रेंज में लगा देता है। और जैसा कि मैंने ऐसा सुना है कि जो मकराना मार्बल है वो टाइल्स से कोई ज्यादा महंगा नहीं है, जब कस्टमर शायद ऐसा समझते हैं कि टाइल्स ज्यादा सस्ती है जो सेरेमिक टाइल्स होगी, लेकिन आजकल टाइल्स भी 60-70 रुपए स्क्वायर फीट से है। मकराना व्हाइट है सर, तो मकराना व्हाइट की आप स्लैब लेंगे तो 300 से स्टार्ट होके 2000 रुपीज तक चली जाएगी। okay. और मान लो इसके कट पीस लेते हैं तो 80, 100, 150, 200 तक चले जाएंगे। अच्छा, only 800 से स्टार्ट है। जी जी जी, 80 रुपीज से चालू हो जाएगा। अभी अल्बेटा में जाते हैं तो इसकी स्लैब 200, 300, 500, 700 तक जाएगी, और इसके कट पीस लेते हैं तो 70, 80, 150, 200 तक चला जाएगा। 70 से स्टार्टिंग। जी बिल्कुल, और इसका मैंने बताया था स्लैब 100 से 300, और कट पीस लेते हैं तो 30, 40, 50, 60 तक चला जाएगा। और मकराना पिंक है, इसकी आप स्लैब लेते हैं तो 70 से स्टार्ट होकर 200 तक जाएगी, और कट पीस है 30 से स्टार्ट होकर 50 तक जाएगी। मिनिमम प्राइस 30। जी जी जी। और मकराना माताबर कुमारी की आप स्लैब लेते हैं तो 30 रुपीज से स्टार्ट होकर 100 रुपीज तक जाएगी, और इसके आप कट पीस लेते हैं तो 20 से स्टार्ट होकर 50 तक जाएगी। मतलब अपन ये समझे कि मकराना मार्बल 20 से स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी हाँ जी, 20 से स्टार्ट हो जाता है, मतलब मार्केट में टाइल्स सेरेमिक टाइल्स 20 रुपीज के आसपास से ही स्टार्ट होती है। जैसे ये पीस है 12 इंच बाई 12 इंच का, अगर आप 12 बाई 6 का लेंगे तो 8 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मतलब साइज पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैं समझ पा रहे हैं कि साइज के अकॉर्डिंग रेट सेट होती है मकराना मार्बल्स की, लेकिन फिर भी अपने पास मिनिमम रेंज के अंदर अपन मकराना मार्बल परचेज कर सकते हैं, और बेस्ट ऑफ क्वालिटी मतलब जिसे बोलते हैं वर्ल्ड फेमस मकराना मार्बल अपने बजट में लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे को बताएंगे जरा ये क्या कहलाता है, इसके बारे में जानकारी? ये जो क्वालिटी है सर, मकराना की टॉप क्वालिटी, इसको बोलते हैं अल्बेटा।
शार्प वाली माइंस का ये अल्बेटा है और इसके अंदर ब्राउन लाइनिंग है तो ये ब्राउन अल्बेटा होगा। ओके, ब्राउन अल्बेटा। जी जी, ये जैसे पूरा लोट है, ये 10,000 स्क्वायर फीट का पूरा लोट है। अच्छा जी, इसके अंदर अल्बेटा का मतलब ये हो गया कि मकराना की टॉप क्वालिटी है, इसके अंदर बहुत अच्छी वाइटनेस है। आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत अच्छी वाइटनेस और लिमिटेड लाइनिंग है, इसकी वजह से जब ये फ्लोरिंग में पूरा लगेगा तो एक अलग ही लुक क्रिएट होगा। जैसे कि ये लाइनिंग है तो शुरू से एंड तक इस स्लैब में ये लाइनिंग चलती जाएगी, जिससे लाइन टू लाइन मैच होकर एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन क्रिएट होगा। मकराना में, मकराना मार्बल की बहुत सारी वैरायटीज़ है, बहुत ही एक से एक खूबसूरत वैरायटीज़ मकराना मार्बल की है। अभी हम सर से जानेंगे, ये जो सेकंड वैरायटी हमें यहाँ पे अभी सर बताएंगे, ये किस प्रकार का मार्बल है, इसे क्या कहते हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, बताएं सर। ये मकराना चकडोंगरी मार्बल की क्वालिटी है, मकराना की बहुत सुपीरियर क्वालिटी है। इसके अंदर आपको कहीं पर भी क्रिस्टल नहीं दिखेगा, मतलब जिस चीज़ से ये बना है वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, एकदम मिनिमम क्रिस्टल है। इसकी वजह से इसके ऊपर बहुत अच्छी पॉलिश आएगी और बहुत अच्छी शाइनिंग रहेगी। इसके अलावा 98% कैल्शियम है, जैसे कि आप ये पूरा वाइटनेस देख रहे हैं तो ये वाइटनेस खुद के अंदर एक पकड़ा हुआ है, कहीं से भी ये वाइटनेस कहीं से भी फटी हुई नहीं है। आप कहीं और का मटेरियल देखेंगे तो आपको हो सकता है वाइटनेस पूरी खुली हुई दिखे। तो इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो सिल्कनेस है वह बहुत अच्छी मिलेगी, जैसे कि मेरे हर जगह यही क्वालिटी लगी हुई है। और ये जो क्वालिटी है, जैसे स्टार्टिंग 80, 90, 100 इस रेंज में हो जाती है, पर ये मेरे पास एकदम सुपीरियर लोट है। जैसे कि ये सिंगल लोट लेता है तो 400 स्क्वायर फीट का। ये सर मकराना की क्वालिटी है, इसको वाइट अल्बेटा कहते हैं। इसके अंदर भी आप देख रहे हैं बहुत अच्छी वाइटनेस है और लिमिटेड लाइनिंग है। इसके भी वही थिकनेस है, 15 से 16 mm है। और इसके अंदर भी जब ये डिज़ाइन इसका क्रिएट होता है तो पूरा वाइटनेस रहेगा, वाइटनेस के अंदर लिमिटेड लाइनिंग रहेगी, जैसे ये पेंसिल लाइनिंग है। और जो इसकी माइंस है मकराना के अंदर ही, इसको उलोडी वाली माइंस कहते हैं। तो ये उलोडी वाली माइंस का अल्बेटा। इसके अंदर सर कोई मेजर डिफरेंस है नहीं, जो सबसे बड़ा है कि भाई पॉलिश इक्वल आती है और सिल्कनेस सब में बराबर रहती है। जो मेजर डिफरेंस हुआ यही है कि इसके अंदर वाइटनेस बहुत अच्छी है, वाइटनेस ज़्यादा होने की वजह से इसको अल्बेटा कहते हैं। और चकडूंगरी की माइंस अलग है, अल्बेटा की माइंस अलग, अल्बेटा की पूरी आपको अलग माइंस मिलेगी, इसकी अलग मिलेगी। इसके अंदर भी सेम कैल्शियम है, सेम कैल्शियम है, सेम मजबूती है, कभी ख़राब नहीं होगा, कभी पीला नहीं पड़ेगा। इसको लगाया जाता है क्योंकि कैल्शियम की वजह से अपने शरीर के लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नंगे पैर चलते हैं तो अपने शरीर को बेनिफिट होने वाला है। इसके अंदर कोई केमिकल का यूज़ नहीं है। और अभी बात करते हैं जैसे कि इसके प्राइस की, तो ये पूरा लोट है तो ये 280 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का है। वैसे आप उलोडी माइंस का देखते हैं तो 200 से लेके आपको 600, 700 तक आप मिल जाएगा। हर चीज़ क्वालिटी के हिसाब से ही डिसाइड होती है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग रेट डिसाइड हो जाती है। जी सर, ये जो क्वालिटी है ये मकराना माताबर कुमारी की क्वालिटी है। माताबर कुमारी के अंदर एकदम सुपीरियर क्वालिटी है। इसके अंदर जो लाइनिंग है तिरछी लाइन है और एक शार्प ग्रेन से आप लाइनिंग देखेंगे तो शार्प लाइनिंग है। इसका जो कलर है वाइट प्लस क्रीम ब्राउन लाइनिंग का। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न है जो कहलाता है डायमंड पैटर्न होगा। जैसे ये तिरछी लाइन है तो तिरछी लाइन होगी, तो जैसे जैसे डिजाइन क्रिएट होगा तो एक डायमंड डिजाइन बनेगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। ये जरा इस अभी हमने जैसे डिस्कस किया था कि एक तो होता है स्ट्रेट पैटर्न और एक होता है डायमंड पैटर्न। तो डायमंड पैटर्न क्यों है वो फ्लोरिंग के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। जब अपन इसको लगाते हैं, जब ये एक्चुअल में लगेगा तो लगने के बाद में किस प्रकार दिखेगा आपको, एक डायमंड शेप इसके अंदर में नज़र आ रही होगी, तो इसी वजह से इसको डायमंड पैटर्न बोला जाता है। जी सर, जैसे कि ये 4 पीस है तो बीच में डायमंड बन गया, जब एक्चुअल में 16 पीस लगेंगे तो पूरे डायमंड ही डायमंड क्रिएट होंगे। जैसे इसका डायमंड अलग बनेगा, उस साइड अलग बनेगा, वो अलग बनेगा, तो एक्चुअल में पूरा फ्लोरिंग लगने के बाद में डायमंड डिज़ाइन का पॉलिश होकर एक शानदार लुक आता है मकराना मटेरियल में। बहुत यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा दें ताकि आगामी वीडियो की जानकारी आपको समय रहते प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।